नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं जो भी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि 9 अक्टूबर आज ऐतिहासिक दिन होने वाला था BEd वर्सेस BTC के मामले में। आज तय हो जाता कि BEd को प्राइमरी में रखना है या फिर नहीं रखना है, लेकिन आज इस केस में क्या हुआ है और किस तरीके से जो लोग हैं अलग अलग तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सके। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, सबसे पहले ना आपको ये दो वर्ड समझने ज़रूरी है। एक है क्या डिस्पोज और दूसरा है क्या डिसमिस्ड। देखिए डिस्पोज क्या होता है, अगर मैं न्याय के अकॉर्डिंग बात करूं, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट केसेस के मामले के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो डिस्पोज का मतलब होता है निपटारा करना, ठीक है, और डिसमिस का मतलब होता है ख़त्म कर देना या फिर मतलब ख़त्म करना या फिर क्या रद्द कर देना। देखिए, जो बिहार सरकार के द्वारा SLP लगाई गई थी जिसकी आज सुनवाई हुई है BEd वर्सेस BTC के मामले में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, तो हुआ क्या, आज बिहार SLP को उसको क्या किया गया है, उसको डिस्पोज कर दिया गया है। और वो भी क्यों, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा उसको खुद से विड्रॉल कर लिया है। देखिए डिस्पोज मतलब तर्क, देखिए डिस्पोज कहने का मतलब कि उस SLP पर जिस पर आज सुनवाई होने वाली थी उसका क्या है निपटारा हो गया, मतलब उस पर जो काम किए जाने थे वो क्या हो गए, उस पर सारे काम किए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिसमिस की बात करें तो डिसमिस का मतलब हो जाता है कि ये जो BEd वर्सेज BTC का मामला चल रहा है ना उसमें आगे कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये डिसमिस का मतलब होता है। लेकिन डिस्पोज अलग है, डिसमिस शब्द अलग है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, आज की सुनवाई में हुआ क्या था, बिहार सरकार ने क्या तर्क दिया था कि जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि BEd वाले मतलब NCTE का जो गजट था 28/6/2018 को उसको रद्द कर दिया गया है, तो उस समय पर हम ना क्या थे, हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया था हमारे द्वारा बिहार सरकार के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, प्राथमिक व्यक्ति जो भर्ती थी उनको लेकर के हमने पहले ही एडवर्टाइजमेंट दिया गया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था तो हम ना लिबर्टी चाहते हैं कि ताकि इस बार जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती है उनमें हम BEd को लाना चाहते हैं और उस समय हम क्या करना चाहते हैं, BEd को शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये तर्क दिया गया था किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, तो वो चाहते थे कि BEd को प्राइमरी में शामिल किया जाए। क्यों, क्योंकि उस समय NCTE का जो गजट था जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, उस समय क्या था, जो NCTE का गजट था 28/6/2018 का, वो क्या था उस समय प्रभावी था, ठीक है। और वहीं पर बात करें हम DLED ने क्या तर्क दिया है, DLED ने कहा था, जो DLED के वकील थे वहां पर उन्होंने कहा था कि जब NCTE का गजट ही ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, इस गजट को ही रद्द कर दिया है, तो इस गजट के अकॉर्डिंग इन बिहार शिक्षक मतलब बिहार सरकार के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली में क्यों BEd को शामिल किया जाए, तो ये चीज़ें उसने कही, क्योंकि मतलब बिहार मतलब जो DLED के वकील थे उन लोगों ने कही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो तर्क रखे गए थे उनके द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच में ये मामला सुना जा रहा था उस बेंच ने क्या कहा था, उन जजिस की बेंच ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जिस बेंच के द्वारा 11 अगस्त 2023 को इस चीज़ को लेकर के फैसला सुनाया गया था और इस फैसले के बाद जिस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं, तो ये जो फैसला है, ये जो मामला है, उसी बेंच में या तो ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब उसी बेंच में जाना चाहिए। और ये किसे कहा गया था, ये बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था, या तो आप इस SLP को विड्रॉल कर लीजिए या फिर या तो ये अगर विड्रॉल नहीं होती तो ये डिसमिस ही हो जाती, ठीक है ना। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये या तो आप उससे इस SLP को विड्रॉल कर लीजिए या फिर हम इसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जस्टिस ऑनरेबल सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी जो थे उनकी बेंच में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब क्या हुआ, जो बिहार सरकार ने क्या किया है, इस SLP को विड्रॉल कर लिया है, अब वो क्या करती है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या नए तरीके से SLP को दायर करेगी उसी बेंच में जिस बेंच ने 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया था बिहार शिक्षक बहाली मतलब उसमें NCTE के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, ठीक है दोस्तों। देखिए
डीएलएड के द्वारा ये तर्क भी दिया गया था कि जब एनसीटीई का गजट 11 अगस्त 2023 से प्रभावी हो गया है तो क्यों अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्यों अब इनके ऊपर बातें हो रही हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया था कि इसी तरीके से चलना चाहिए, उनको ना इनको कोई भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए बीएड वालों को। तो उन्होंने कहा कि ये जो बेंच में जो ये बेंच है, मतलब हमारी जो बेंच है, इस मामले को सुनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो अप्रोप्रिएट है, मतलब इस मामले को अप्रोप्रिएट कहने का मतलब जिस इसमें पहले से ही सुना, जिसको पहले से जानकारी है, मतलब इस केस को लेकर के अभी पूरी जानकारी उस बेंच को नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन जिस बेंच को ये पूरी जानकारी है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धोलिया जी, ठीक है, तो उस बेंच को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने ये कहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये आज ये नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं या फिर बीटीसी की नई जीत होगी, तो इस तरह के हवा फैलाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों अलग अलग तरीके का अफवाहों पर गौर मत दीजिए, और ये जो चीज़ें हैं यही घटना घटी है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई हुई थी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले। तो ये सारी चीज़ें आज की जो मैंने आपको बताई हैं इसी तरीके की चीज़ें फैल मतलब चीज़ें हुई हैं, ना कि बीएड वालों को किसी तरीके से वहाँ पर कोई अलग तरीके से ट्रीट किया गया हो, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, मैं केवल इतनी ही जानकारी आपको शेयर करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।